अगर आप बनाना चाहते हैं पीपीटी से वीडियो यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से वीडियो फाइल, तो आपको करना पड़ेगा ये जो मैं करने जा रहा हूं। तो प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको दिखाते हैं कैसे बनाते हैं पीपीटी से वीडियो। तो सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसका नाम है पीपीटी टू वीडियो कन्वर्टर। तो आपको वो ऑनलाइन मिल जाएगा, गूगल पे टाइप कीजिए पीपीटी टू वीडियो और वो सॉफ्टवेयर आपको दिख जाएगा। साथ तो देखिए ये बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है, आप टाइप कीजिए पीपीटी टू वीडियो और लिख दीजिए मोया लास्ट में, तो आपको जो एक सॉफ्टवेयर मिलेगा उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद शुरू होता है असली काम। तो आपको सबसे पहले वो सॉफ्टवेयर ढूंढना है, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। ओके, तो सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, तो आप उसको क्लिक कर लीजिए और फिर वहाँ से जब आपका ये पेज खुल जाए तो आप वहाँ से उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिए। ध्यान रहे कि स्टेप बाय स्टेप आप चलिए मेरे साथ, तो ही आप अच्छी तरीके से अपलोड कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप वीडियो को जल्दी जल्दी आके करके देखेंगे तो हो सकता है एक दो स्टेप छूट जाए और फिर वो मज़ा नहीं आएगा। तो पूरी वीडियो को देखिए टिल दी एंड और मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगा। देखिए इस तरह से पेज खुल जाएगा, उसके बाद आपको सिर्फ डाउनलोड पर क्लिक करना है और उसके बाद आपका डाउनलोड शुरू। ये तो अभी तक नहीं हुआ रे, लगता है ये डाउनलोड नहीं हो रहा है, लेकिन ये डाउनलोड होगा क्योंकि मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि थैंक यू का मैसेज आ चुका है। थैंक यू ये मुझे बोल रहा है आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने डाउनलोड किया, तो इस खुशी में ये मुझे फाइल दे रहा है। लेकिन ये क्या पेज खोल दिया दूसरा इसने, हाउ टू इंस्टॉल, ये क्या है? अरे अरे भाई मेरा सॉफ्टवेयर कहाँ है? ऑलराइट, देखिए अब हमने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया है, इंस्टॉल भी कर लिया है और अब हमने सॉफ्टवेयर ओपन किया है तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो आपको सबसे पहले अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल को ओपन करना है जो भी आप बनाना चाहते हैं। सपोज कर लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं इसमें लिख देता हूँ ए। ओके, और अब आपको करना है ये कि इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए और यहाँ से इसको पेस्ट कर लीजिए दो तीन फ्रेम जितने भी आप चाहते हैं। जैसे ये ए है फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी तरह करें। थोड़ा सा दिमाग लगाएं और एक्सपेरिमेंट ज़रूर करें जो मैं हमेशा कहता हूँ, बिकॉज एक्सपेरिमेंट से ही सीखने को मिलता है। सी डी ई और ये एफ, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार, जो अगर आपकी स्लाइड ब्लैंक ना हो तो इनको आप डिलीट कर दीजिए, वरना ये भी कहीं ना कहीं आपको फिर दिक्कत देंगी। तो ये आपने डिलीट कर दिया है और इसके बाद ये भी डिलीट कर दीजिए, बहुत ही सिंपल है, इसको बस सेलेक्ट कीजिए और डिलीट करिए। उसके बाद आपको इस फाइल को करना है सेव और आप डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं, इसे किसी भी नाम से दे दीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद उस पर ऐड पे क्लिक कीजिए और अपनी फाइल को इसके ऊपर ड्रैग कर दीजिए और रपम्पा है, ये तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर आप इसको ऐड पे क्लिक कीजिए और डेस्कटॉप पे फाइल दिखे और ये लो, तो ये हो गया है। अब इसके बाद इसमें थोड़ी सेटिंग्स हैं जो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लाइक इसमें कितने सेकंड्स के बाद आपको स्लाइड ट्रांजेक्शन चाहिए, स्लाइड ऑडियो वीडियो जो भी आप लगाना चाहते हैं आप सब कुछ इसमें लगा सकते हैं और टाइमिंग भी दे सकते हैं। इसके बाद इसको कर दीजिए यहाँ से गो। ये पूछेगा कि इसमें बिफोर कन्वर्टिंग प्लीज़ मेक श्योर कि आपने सब कुछ सेटिंग सही की है, इसमें बंद नहीं करना कन्वर्टिंग होते समय, आप सारा कुछ पढ़ लीजिए और ये यहाँ से कर दीजिए ओके। तो इसके बाद ये हो जाता है स्लाइड कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है और ये 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर आपकी फाइल को हाई क्वालिटी में वीडियो में बना के आपको दे देगी। तो फिर आपको बस इसको अपलोड करना बाकी है, बस इसमें थोड़ा जो देखने की बात है वो आपको फ्रेमिंग जो आप इसको कस्टमाइज़ करते हैं तो उसमें आप पहले 3-4 बार रफली बना के देख लीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए, उसके बाद अगर आप अपलोड करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। तो पहले आप रफली ज़रूर कीजिए क्योंकि हर सॉफ्टवेयर क्योंकि अभी अपडेट हो चुका है, तो मैं जो यूज़ करता था वो थोड़ा अलग था, तो ये अपडेट हो चुका था, आप इसमें ज़रूर एक दो बार रफली कीजिए और जैसे आपको फिर फाइनल प्रोडक्ट अच्छा लगे तो उसको अपलोड कीजिए। तो ये देखिए जिस तरह से आप देख रहे हैं ये फाइल अब कन्वर्ट हो चुकी है और अब ये हमारे पास आ गई है। देखिए ये इस तरह से कन्वर्ट होके हमारे पास फाइल आ गई, अब हम इसको चला के देखते हैं ये बनी है या नहीं बनी। तो हमने इसको VLC प्लेयर में चलाना है, ये देखिए बहुत ही बेहतरीन है, मगर ये इसका लोगो है, तो ये आप इसमें की डाल देंगे तो इसका ये लोगो है ये हट जाएगा।
आप गूगल पे कीज के सर्च कर सकते हैं, आपको की मिल जाएगी और फिर ये लोगो हट जाएगा तो आप बिल्कुल ईजिली आप ये यूज़ कर पाएंगे। और ये तो रही वीडियो बनाने की बात, अब आपको वीडियो अपलोड करना तो आता ही होगा, तो इस तरह से आप बना सकते हैं एक PPT से वीडियो।